सो हेलो मेरी जान, दिस इज मैक्स जोस एंड आप सब मेरी अनबॉन्शन। तो कैसे हो यारो, क्वारंटाइन में मज़ा तो बहुत आ रहा होगा। बट आज हम आ चुके हैं उस रिव्यू पे जो रिव्यू हम काफ़ी पहले करना चाहते थे, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आज हम ये रिव्यू कर रहे हैं। और गेम जो है बहुत ही सही थी, और आप सभी को पता है मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ, एलियन वर्सेस प्रेडेटर की। सो हाँ, आज उसका मेन रिव्यू है। तीनों गेम्स प्ले के हमने गेम बना दिए थे, गेम प्ले हमने डाल दिए थे और उनका थोड़ा थोड़ा रिव्यू कर दिया था। बट आज मेन रिव्यू होगा कि गेम कैसी है, कहाँ काम करती है, किस तरह की है और क्या उसमें बढ़िया है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। और लास्ट में एक उस मुद्दे की बात करूँगा जो मुद्दा काफ़ी संगीन होता जा रहा है। सो यस, सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। जी हाँ, मैं हूँ मैक्स केओस। चलो शुरू करते हैं वो अपने भाई के स्टाइल में बोल रहा हूँ। सो चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक बात करें गेम की ग्राफिक्स बहुत औसम है। तीनों लेवल पे आपको वही ग्राफिक्स मिलेंगे। आप मरीन मिशन करेंगे, आप वहाँ पे वो ग्राफिक्स मिलेंगे। आपको प्रेडेटर मिशन करेंगे, वहाँ वो ग्राफिक्स मिलेंगे। आप एलियन मिशन भी करेंगे तो भी आपको ग्राफिक्स लेवल सही मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं मरीन मिशन में जो मेरा पर्सनली इंटरेक्शन हुआ काफ़ी सारी चीज़ों से, मैंने खेला भी है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप नीचे जाकर, आप मेरे चैनल पर जाके वो देख सकते हैं, मैंने पूरा गेम प्ले डाल रखा है उसका। मरीन मिशन में जो मुझे पर्सनली जो चीज़ सबसे बढ़िया लगी कि उसमें गन बहुत सही है, और जो मैंने उसके ग्राफिक लेवल को, गन वाले गेम के ग्राफिक लेवल्स को जहाँ मैंने जिस गेम से कंपेयर किया, वो गेम है मेट्रो 2033 के गेम से मैंने कंपेयर किया है। बात करूँ कंपेरिजन को हटा के मरीन मिशन की, तो मरीन मिशन में मुझे ये सब बात सबसे अच्छी लगी कि वहाँ पर गन्स हैं, सपोर्ट में कोई नहीं होता, आपको अकेले लड़ना होता है। ये बात मुझे सही लगी। काफ़ी बार सपोर्ट में भी आ जाते हैं, वो भी कहीं हर जगह सही नहीं लगता सपोर्ट, और हर जगह बेकार भी नहीं लगता सपोर्ट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस गेम में मरीन मिशन में गन्स बहुत सही हैं, इतनी पावरफुल नहीं है एलियन के ऊपर। यानी कि जब सामने से आपको एक डिसएडवांटेज है ये उस गेम में कि उस मिशन में, मरीन मिशन में, कि सामने से कोई भी एलियन होगा आपके पास में तो आप उसे गन से मारने की कोशिश भी करेंगे ना, वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। बिकॉज मुझे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ ये कि एलियन इज मोर पावरफुल बहुत ज़्यादा है एलियन इस गेम में। आप गन्स करोगे और एलियन के पास एक ये बहुत सही एडवांटेज है कि वो दीवारों पे चढ़ सकता है। तो इन केस अगर आप मरीन मिशन में हैं और सामने आपके एलियन है, वो दीवार पे चढ़ के आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगी उस, क्या कहते हैं उसको, गोली मारने में। और ये मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगा था इस गेम प्ले में। अब बात करूँ ओवरऑल मरीन मिशन की, तो बहुत सही है। आप जाओ खेलो उसे करो। देखो मैं सिर्फ बता सकता हूँ, खेलना आपको है, आपको अपना रिव्यू करना और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी। अब बात कर लेते हैं मरीन मिशन के कुछ और बातों की। तो यार क्विक टाइम इवेंट्स मुझे बहुत ही कम देखने को मिले हैं। क्विक टाइम इवेंट्स तो लगभग ना ही हैं, तो यही है कि है ही नहीं लगभग। क्विक टाइम इवेंट्स में बस ये ई दबाकर इंटरेक्ट होते हैं, क्विक टाइम इवेंट्स भी नहीं है, वो इंटरेक्शन है एक तरीके की। क्विक टाइम इवेंट्स तो मुझे देखने को भी नहीं मिले। हाँ पर गेम में इंटरेक्शन बहुत सही है, कंट्रोल्स बहुत ही सही हैं। कंट्रोल्स की मैं ये बात नहीं करूँगा, और आपको एक नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि माउस के राइट हैंड साइड वाले बटन से आप एक एक पिस्टल मार सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड वाले से डबल बैरल। मतलब अगर बात नहीं समझ में तो आप नीचे गेम देख सकते हो, वहाँ पर मैंने पूरा इस बारे में ब्रीफली डिस्कशन कर रखा है कि मैंने क्या नया एक्सपीरियंस किया। बट जो गेम थी काफ़ी औसम थी, मरीन मिशन बहुत सही था। बस मुझे यही दिक्कत लगी कि जो ओवरऑल जो एलियन को मारने का उसमें मेन चीज़ उसमें ये कि हमें बंदूक लेनी और एलियन को मारना, वो चीज़ उसमें बहुत ही अजीब सी थी क्योंकि मैं एलियन को मार नहीं पा रहा था उस वे में। सो अब आगे बढ़ते हैं प्रेडेटर मिशन पे। तो वन ऑफ माय फेवरेट मिशंस में प्रेडेटर मिशन। क्यों? क्योंकि प्रेडेटर और एलियन को पावर इक्वल दे रखी है। इक्वल मतलब 10-20, 19-20 का फर्क होगा दोनों की पावर में, बट एलियन से लड़ने में प्रेडेटर के साथ अगर आप प्रेडेटर मोड आपने ले रखा है और सामने आपके एलियन है, आपको बहुत ही सही मज़ा आएगा उनके साथ खेलने में। क्यों? क्योंकि गेम
प्रेडेटर की है, और प्रेडेटर में पता नहीं क्या मुझे खुद एक बहुत सही इंटरेक्शन लगा प्रेडेटर में। आप प्रेडेटर को आप गायब कर सकते हो, ठीक है, आप उसे हील कर सकते हो। हील तो खैर हर उसमें है, हर इस गेम के हर पार्ट में आप अपने आप को हील कर सकते हो, बट यह प्रेडेटर का हीलिंग पॉइंट मुझे बहुत सही लगा। वो जिस हिसाब से अपने हाथों को तोड़ के अपने अंदर वो सिरिंज से घुसाता है, या यूँ को डायमंड्स के कट्स घुसाता है वो अपने अंदर, वो मुझे काफ़ी सही इंट्रैक्शन लगा उसका। उसके बाद वो एक अजीब सी चिल्लाहट लेके सांस लेता है, वो बहुत ही सही लगा मेरे को उसका। बात करें इस गेम के इंट्रैक्शन की, तो गेम तो खैर एक ही है, मिशन अलग अलग है, तो इंट्रैक्शन भी ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें हो रहा तो सब में भी सही होगा। बट प्रेडेटर मिशन सही में बहुत ही सही है। प्रेडेटर मिशन में आपको काफ़ी सारी जगहों पर एक्सप्लोर करने को मिलेगा। आप चाहो तो पेड़ तक चढ़ सकते हो, पेड़ पे मतलब आराम से आप जंप कर सकते हो, काफ़ी लॉन्ग जंप्स आप ले सकते हो, और काफ़ी सही है, बहुत ही ज़्यादा सही है, सच बता रहा हूँ। ये चीज़ मुझे इसमें बहुत सही लगी। मैं हम पेड़ पे चढ़ सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, एलियन से बहुत सही डॉज हो सकता है इसमें, इतने सही वेपन्स इसमें यूज़ हुए हैं। लाइक वो जो हर बार प्रेडेटर मूवी में हम उसके पीछे एक कैनन सी लगी देखते थे, हमारे पास वो भी है। हमारे पास एक भाला तक होता है, एक कटार सा होता है वो गोल्ड रंग का, जिस पे ब्लेड्स लगे होते हैं लाइक बाइक की डिस्क ब्रेक जैसा, सेम ऐसे कुछ करके वो फेंकता है। वो भी चीज़ मुझे इसमें बहुत बहुत सही लगी, इम्प्रेसिव थी। बट जिस चीज़ में मैं प्रेडेटर वाले मिशन में जिस चीज़ से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, या दैट इज़ हैवी अटैक। हैवी अटैक यानी कि जो हम हैवी अटैक उसे देते हैं बटन दबा के, या माउस के दूसरे साइड वाला बटन दबा के जो हम उसे हैवी अटैक देते हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि इतना टाइम लेता है सामने वाला मेरे पर तक हमला कर चुका होता है, इतना टाइम। शायद मे भी मुझे लग रहा है कि इसमें इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था उस हैवी अटैक में, यानी कि बहुत पीछे तक अपना घूसा लेके जाता है धीमे से एकदम, और एकदम अटैक करता है। सो या ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ऐसे इतना नहीं होना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। और अब ओवरऑल व्यू दे देता हूँ, प्रेडेटर इज ऑसम। आप उस गेम को खेलोगे ना, प्रेडेटर मिशन को, आपको सही में बहुत एक्सपीरियंस फील होगा। और जहाँ तक बात करते हैं उसके उस मूव की, जो कि प्रेडेटर का मेन अटैक है, भाई साहब मुंह पकड़ता है, पूरा मुंह खाल लेता है, और बाद में ना जिसके मुंह से उसे दिक्कत नहीं होती ना, उसका मुंह लेता है, वहाँ जाता है, उसकी आंखें स्कैन करता है और बाहर आ जाता है। वाओ, व्हाट द, बहुत ही खतरनाक सीन है वो मुझे सीन पर्सनली बहुत से लगता है उसमें, कि भाई साहब ऐसे करके उसको घुसाड़ता और एकदम से ऐसे मुंडी बाहर निकालता, बहुत पर्सनली एकदम बहुत सही मज़ा आता है उसको खेलने में, उसको देखोगे तो। बस उसमें मुझे यही चीज़ सही नहीं लगी कि उसमें एक वो हैवी अटैक था, वो हैवी अटैक वो बहुत टाइम लेता, तब तक मेरे को कोई भी उड़ा के चला जाता है, मतलब उड़ाता नहीं है, मीन्स वो काफ़ी मुझे हार्म कर चुका होता है उस इतनी देर में तो। सो बात यही थी। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट और लास्ट मिशन पे, जो कि सबसे पावरफुल था, या एलियन। एलियन में मेरे को पर्सनल ये फील हुआ कि एलियन में लिटरली में पावर बहुत ज़्यादा है, अगर मैं इस कंपेयर करूँ दूसरी चीज़ों से, मीन्स दूसरी और क्या कहते हैं इसी पार्ट से, तो इसी गेम के अंदर जो भी हमने मरीन मिशन करा, हमने प्रेडेटर मिशन करा, मुझे जो फील हुआ कि एलियन में पावर इज मच मोर, बहुत बहुत ज़्यादा पावर है एलियन के अंदर, या एलियन में सच में बहुत ज़्यादा पावर है एलियन लिटरली, मतलब इतनी भी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, जितनी अगर मेरे बताने पे आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा गॉड लेवल ब्रूटैलिटी पावर है, तो नहीं नहीं है, पर पावर है रियली में इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब इस गेम के अंदर इसमें अच्छी खासी पावर है, कि आपको इतनी जल्दी डैमेज नहीं होगा, मतलब होते रहोगे बट इतनी जल्दी नहीं होगे। एलियन में बहुत सही है आपके पास ये पावर कि आप बहुत पावरफुल हो। मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं गन मरीन मिशन कर रहा था तभी एलियन में पावर ज़्यादा होगी, बट नहीं, जब मैं एलियन बनता भी हूँ तब भी मेरे पास पावर काफ़ी अच्छी खासी होती है। अब बात कर लेते हैं एलियन मिशन में जो मुझे सबसे सही लगा, सबसे सही मुझे ये लगा कि भाई जब जाते ही ना अटैक कर देता हैवी अटैक्स, अपनी पूंछ से तक मारता है वो, अपनी पूंछ तक अंदर घुसा देता बिल्कुल, और उससे एकदम हैवी अटैक्स काफ़ी सही हैं उसके। और जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगा एलियन में, जो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, कि ऊपर नीचे जा सकते हैं एलियन, एलियन का डॉजिंग लेवल बहुत सही है इसमें, डॉजिंग लेवल सच में बहुत सही है। वो दीवारों के ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर तक छत तक चढ़ जाता है, नीचे कूद सकता है वो, एकदम हैवी अटैक्स दे सकता है, काफ़ी सही है, बहुत सही है। और सबसे मज़ेदार बताऊँ, उसके मुंह पे जाके आप ई बटन क्लिक करोगे ना, वो भाई बंदे का मुंह खा जाएगा बीच में से फाड़ के, जो कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया ही होगा, आप वीडियो जाके मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियोस में और भी वीडियोस दिख जाएंगी।
वो उस बंदे का मुंह खा जाता है, वो मुझे सबसे अच्छा लगा उसमें, ये बात काफ़ी सही थी। और तो जब वो इंसानों को पकड़ता है, मतलब ये बात मुझे उसमें बहुत सही लगती है, एक बात तो ये कि जब वो इंसानों को पकड़ता है तो उसके मुंह पे वो एक छोटा सा क्रीपी एलियन सा फेंक देता है, बहुत ही छोटा सा, अपने बच्चे फेंकता है, अपनी क्या कहते हैं उसे, फेंकता है उसके मुंह पे चिपक जाता है और भाई साहब बंदा वहीं मर जाता है। सो अब बात कर लेते हैं, मुझे एलियन मोड में बिल्कुल 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 भी सही नहीं लगा वो ये एलियंस के कंट्रोल या इन रेसिस, यार इंग्लिश तो है ही मेरी गैर गुजरी, मैं बोल नहीं सकता। तो कहीं भी चला जाता, मतलब जैसे हम, जब आपने मेरा गेम प्ले देखा होगा, जब मैं खेल रहा था तो खेलते खेलते वो कहीं भी दीवार पर चढ़ जा रहा था, जबकि मैं नहीं चाहता था कि वो दीवार पर चढ़े, वो दीवार पर इननेसेसरली चढ़ता ही जा रहा था, मतलब कभी इस दीवार पर चढ़ रहा था, कभी उस दीवार पर, कभी छत पर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था। मेरे को अटैक करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, मेरे को उस चीज़ को क्या कहते हैं कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत होती। वैसे कुछ लोग बोलेंगे कमेंट्स में कि या ये बहुत ही सही चीज़ है डॉज करने के लिए, बट सीरियसली बताऊँ, डॉज ये अलग होता है, ये डॉजिंग है बट काफ़ी हार्ड है ये। अगर वैसे मैं बताऊँ, अगर इस चीज़ को हमने समझ लिया कि एलियन कैसे वर्क करता है, तो या मतलब एलियन कोई छू भी नहीं सकता गन से, बट अगर एलियन से आप मात खाते रहे, मतलब आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो यार वो गेम बहुत वो चीज़ उसमें बहुत हार्ड लगती है मेरे को, कि वो इननेसेसरली कहीं भी चढ़ जाता है, कहीं भी। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा कि मैं कैसे उसे नहीं टैकल कर पा रहा हूँ, ये अपने आप ही। तो यप, ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा गंदा सा भी है, यार सही है, ठीक है, अपना अपना जो मैं बोल भी रहा हूँ वहाँ पर कि ये टैकल नहीं हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं ओवरऑल गेम की। ओवरऑल गेम मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगी, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सही लगी गेम, लो एंड पीसी के लिए वाह वाह है गेम के लिए। मे बी मैंने जब वीडियो को देखा यहाँ पर, तो वीडियो में एडिटिंग के बाद आवाज़ काफ़ी अटक सी रही थी, बहुत अटक अटक के आ रही थी। तो मैं सच बता रहा हूँ, गेम जब मैं खेल रहा था मुझे आवाज़ बिल्कुल सही आ रही थी। मे बी मेरा एडिटर अच्छा नहीं है या उस हिसाब का रिस्पॉन्स आउटपुट नहीं दे रहा है मेरा पीसी, बट मुझे तो एकदम सही आवाज़ आ रही थी, ये मैं खुद पर्सनल बता रहा हूँ आप लोगों को इस रिव्यू के थ्रू। और जहाँ तक बात कर लेते हैं ग्राफिक लेवल की, तो यार लो एंड पीसी के लिए सच में गेम बहुत बढ़िया है, डाउनलोड करो, खेलो, कोई बहुत बड़ी डाउनलोडिंग गेम नहीं है ये, बहुत सही गेम है। यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें करने को मिल जाती हैं, इंट्रैक्शंस मिल जाते हैं, इंट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, हम छुप सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं जाने तक के लिए, वो इसमें बहुत मुझे अच्छी बात लगी है। और ओवरऑल रिव्यू बहुत सही था गेम का, मैंने गेम को पर्सनली खेला, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने खेली। और इस गेम को खेलने का एक परफेक्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जब आप मरीन मिशन को शुरू करोगे तो डोंट थिंक कि आपको मरीन मिशन पे चलते जाना, नहीं ऐसा नहीं है, आपको पहले मरीन मिशन करना है। मरीन मिशन के बीच में जब आपका चेक पॉइंट होएगा तो आप चेक पॉइंट के आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद जब दोबारा एक और चेक पॉइंट होगा तो चेक पॉइंट के, जब गेम को खुद लगेगा कि अब आप एक स्टोरी लेवल पर आ चुके हो, तो वो गेम आपको अपने आप एक मेन्यू दिखाएगी, आपको उस मेन्यू के बाद दूसरे उस पर जाना है, दूसरे मोड पे, यानी कि मरीन से आपको प्रेडर पे जाना है। प्रेडर पे जाने के बाद आप प्रेडर खेलोगे, आपको स्टोरी के साथ साथ चलते जाना, आपको प्रेडर खेलते रहोगे, प्रेडर खेलने के बाद आपको दोबारा एक और ऑप्शन देगा वो, जैसे आपको चेक पॉइंट क्लियर हो जाएगा एक ऑप्शन देगा कि अब आपको किस पे जाना है, तो आप उसको एलियन पे करना, फिर आप एलियन वाले मोड पे खेलोगे। एलियन वाले मोड में अगर आप सोच रहे हो कि हमारा एलियन ऐसा कैसे है कि हम अपने एलियन को पहचान सके, तो मैं पहले बता दूं, आपके एलियन के ऊपर माथे पर 6 लिखा होगा, या इट्स उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, जो कि मैंने शायद वीडियो में दिखाया आई डोंट नो, वैसे मैंने नहीं दिखाया है, तो उसके ऊपर एक 6 लिखा रहता है, तो वो उसमें मेन चीज़ है, तो हमारा एलियन है। सो ओवरऑल गेम का रिव्यू मैंने आपको बता दिया है, आई होप आपको गेम सही में बहुत अच्छी लगेगी, मेरा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। बट अब एक मेन चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं, जो कि दुनिया बात कर रही है। मेरा इस पर कहना कोई लाजमी नहीं होता, क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और ना ही मेरे कुछ अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं कि मैं इस बारे में बात करूँ, बट जो अभी फ़िलहाल हुआ है वो काफ़ी बेकार चीज़ हुई है, लाइक कैरी भैया की वीडियो डिलीट कर दी है। डिलीट होने का मेन रीज़न बहुत लोग कह रहे हैं साइबर बुलिंग,
या वगैरह वगैरह। बट ठीक है, अभी जो हुआ ख़त्म करते हैं इस चीज़ को, बट ये नहीं होना चाहिए था। लाइक वो इंडिया में काफ़ी सही रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली थी वो वीडियो, और काफ़ी अच्छा होता अगर वो रिकॉर्ड तोड़ देती तो। किसी को उसे सबको पता है किसकी गलती है, सब जानते हैं कहाँ से पहले उंगली हुई थी, बट मैं कोई नहीं होता इस चीज़ पर बोलने वाला हूँ। बट ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं, सबको लगता है हम सही हैं, बट ठीक है, सबको पता कौन सही है। हम सबको लिटरली में पता है वो सही था जिसकी वीडियो डिलीट हो गई, उसने कोई गलती नहीं करी थी, उसको सामने से उंगली हुई थी इसलिए उसने करा। और मैं इस बात पे बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ। अब वीडियो खैर डिलीट हो चुकी है, बट और जगह साइट्स पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हो। उसे है तो बहुत सही वीडियो, मैं सही में बहुत मज़ा आया था देखने पे। और जो मुझे सबसे लेजेंडरी रिस्पॉन्ड लगा जिस बंदे ने सबसे लेजेंड वाला रिस्पॉन्ड दिया है उस प्लेटफॉर्म को, जिस प्लेटफॉर्म को देना था, वो थे हमारे गुरुजी, टेक्निकल गुरुजी। सच बता रहा हूँ, मेरे को इतना तगड़ा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया ना, मतलब सारे फ़ोन रखे थे आगे, एक एक को उठा के पहले हाथ को सैनिटाइज़र करा, फिर एक फ़ोन को उठाया, फिर डिलीट करा, फिर एक फ़ोन को उठाया डिलीट करा, फिर बाद में दोबारा सैनिटाइज़र करा, बिना कुछ बोले, बंदे की डेडिकेशन देख लो, बिना कुछ बोले बंदे ने वीडियो बनाई और कर दी। भाई सही में गुरु है वो कमाल है। और अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो मैं सच बता रहा हूँ, दो बंदे हैं जो मुझे पर्सनली रोस्टिंग में, दो से तीन बंदे जो मुझे पर्सनली रोस्टिंग में भी और इस न्यूज़ देने में काफ़ी सही लगते हैं। एक तो नियॉन मैन पर्सनल फेवरेट है, और बदमाश आर्यन, बदमाश अक्की वो सही में बहुत बहुत सही कह रहा है बंदा, उसको जाओ वीडियो को देखो। और मैं कह रहा हूँ ये कोई, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ उनका, मेरे को पर्सनल अच्छे लगे तो मैंने बस बोल दिया है कि जाओ और देखो उनकी वीडियोस को, काफ़ी सही होती हैं। और एट लास्ट एक बंदा और है आर्यन करके, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ उनकी वीडियोस देखो, सही में बहुत सही है वो लोग और सही बना रहे हैं। पर मैं पर्सनल बता रहा हूँ, सामने से उंगली करोगे तो यार कोई भी नहीं चुप बैठेगा, कोई भी नहीं, सीरियसली कोई भी नहीं चुप बैठेगा यार। अगर मैं ही पर्सनली किसी को ऐसे ही उंगली कर रहा हूँ बिना वजह के, तो यार कौन चुप बैठेगा, कोई भी नहीं चुप बैठेगा। और हाल फिलहाल सभी को पता है कॉल रिकॉर्ड आई है किसी की, सो ठीक है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा इस पर, बस मैंने आपको गेम का रिव्यू देना था, एक मेन टॉपिक पर बात करनी थी कि आपको क्या लगता है कि ये सही था गलत था। आप अपने अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, क्या मैंने सही बोला या मैंने कुछ गलत बोला। तो यार मैंने कुछ गलत बोला तो सॉरी, बट मैंने जो बोला वो एट द रेट सबसे था। सो गाइस इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं और एक साथ बोलेंगे गाइस, मौज लेंगे, रोज लेंगे, और नहीं मिलेगा तो मिस्टर मैक्स के उससे पूछ लेंगे। तो अगली बार वीडियो दोबारा लेकर आऊँगा, बट ये वीडियो लेट थे आई नो, सो बाय बाय।